सामने की तरफ तुम लोग ये वाली गाड़ी को चलते हुए देख सकते हो गाइस, क्या ही मस्त तरीके से ये वाली गाड़ी चल रही है। और अगर तुम लोगों ने पिछले से पिछला वाला एपिसोड देखा होगा तो तुम लोगों को तो याद ही होगा कि इस वाली गाड़ी को मैंने गिफ्ट किया था, वो भी शिनचैन और पिंचैन को। और वैसे जहां तक मुझे याद है ये वाली गाड़ी शायद से पिंचैन की है और शिनचैन ने वो सायरन वाली गाड़ी ली थी जो की ग्रीन कलर की थी। बाकी इस वाली गाड़ी की स्पेशलिटी मैं तुम लोगों को बताता हूँ गाइस, ये वाली गाड़ी भले ही दिखने में छोटी है बट ये वाली गाड़ी किसी भी व्हीकल से रेस लगा सकती है और जीत भी सकती है। और एक और चीज गाइस, कितना भी छोटे से छोटी गाड़ी हो और कितनी भी बड़े से बड़ी गाड़ी हो उसके नीचे से ये इजीली निकल सकती है। और भाई पिंचैन कैसे चला रहा है? अरे बढ़िया से तो चला रहा है यार। ऐसे तुम लोग ये सोच रहे होगे कि इस गाड़ी को चला कौन रहा है क्योंकि मेरे हाथ में तो रिमोट कंट्रोल है नहीं। एक्चुअली में भाई शिनचैन अपनी नीचे गाड़ी चला रहा है और पिंचैन को देखो भाई मस्त सड़क पे दौड़ा रहा है और मेरे से रेस लगा रहा है। अरे हार जाओगे रेस मेरी गाड़ी से। देखते हैं भाई पिंचैन चले एक और बार। ठीक है यार 3-2-1 गो। अबे वन बोलने से पहली भगा दी तूने अपनी गाड़ी, फिर भी कहाँ जीत पाए यार। हाँ वो तो काफी ज्यादा मुश्किल है गाइस इस वाली गाड़ी से रेस जीत पाना। अरे चलो चलो वापस आ जाओ यार। हाँ हाँ आ रहा हूँ भाई वापस, तू पहले अपनी गाड़ी को लेकर चल। अरे मेरी गाड़ी से पंगे मत लेना, एकदम बढ़िया वाली गाड़ी है। हाँ हाँ वो तो नजर ही आ रही है भाई कितनी ज्यादा मस्त गाड़ी है, लेकिन फिर भी यार मजा नहीं आ रहा है। मजा नहीं आ रहा? अब ये मत बोलना कि एक और गाड़ी चाहिए। अरे तुम्हें कैसे पता चला यार? क्या? अरे हाँ यार एक और गाड़ी चाहिए हमें। अबे मैं सच बता रहा हूँ भाई, अब मैं कुछ गिफ्ट नहीं करने वाला। अरे प्लीज यार आखिरी बार यार प्लीज। अरे यार तुम लोगों ने भाई बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। तुम लोगों को याद होगा गाइस सबसे पहले वाले आरसी कार के एपिसोड में मैंने दी थी ये मॉन्स्टर कार जैसी दिखने वाली आरसी कार्स। फिर ये लोग कह रहे नहीं हमें ऐसी गाड़ी चाहिए जिसके अंदर हम लोग बैठ सके, तो ठीक है मैंने कहा ठीक है चलो लेकर आ जाते हैं। फिर मैं चुरा कर लाया था ये वाली और ये वाली गाड़ी जिसके अंदर बंदा बैठ सकता है इजिली एकदम मस्त तरीके से। ये देखो जैसे मैं बैठ चुका हूँ इसके अंदर बैठ के बंदा चला सकता है इस गाड़ी को। फिर ये लोग कह रहे कि नहीं ये तो नॉर्मल कार है या फिर ऐसी अजीबोगरीब मॉन्स्टर कार है, हमें इस आरसी कार के अंदर सुपर कार चाहिए। तो पिछले वाले एपिसोड में गाइस मैं लेकर आया था ये रेड और ग्रीन कलर की एकदम ओपी लेवल की फरारी सुपर आरसी कार। बट अब क्या चाहिए भाई तुम लोगों को? अरे यार हमें ऐसी कार ही चाहिए जिसके अंदर हम लोग इजिली बैठ सके और वो देखने में भी मस्त हो यार। तो है तो ये तोरी भाई, इसके अंदर देखो क्या मस्त तरीके से तुम लोग बैठ सकते हो, लेकिन फिर भी यार इसकी जो रूफ है वो छाती में चुपती है यार। अच्छा और बैठने में दिक्कत होती है? अरे तो वो वाली तो कंफर्टेबल है। अरे वो भी कंफर्टेबल नहीं है यार बिल्कुल भी। अबे इस वाली गाड़ी की बात कर रहा हूँ, ये तो कंफर्टेबल है लेकिन ये गाड़ी लगी कहाँ से रही है यार, ये तो बाइक लग रही है। अबे तो तुम लोग कहना क्या चाहते हो? अरे हमें ऐसी गाड़ी दो जिसके अंदर हम लोग इजिली बैठ सके यार, ऐसे आधा घुस के ना बैठना पड़े। ओ मतलब तुम लोग चाहते हो एक ऐसी गाड़ी जिसके अंदर तुम लोग बिल्कुल आराम से कंफर्टेबली बैठ सको और वो एक सुपर कार भी हो। अरे ये तो मुश्किल है थोड़ा। देखो गाइस मैं तुम लोगों को समझाता हूँ ये लोग क्या चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं ऐसी गाड़ी जिसमें मैं बैठा हूँ बट ये कोई सुपर कार हो और आराम से बैठ सके। अब जैसे तुम लोग देख सकते हो इसकी रूफ बहुत ज्यादा अड़ रही है और हम लोग कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते इसके अंदर। बट ये लोग चाहते हैं ऐसी आरसी कार जो कि सुपर कार हो, कंफर्ट हो उसके अंदर और एकदम बढ़िया हो देखने में, है ना भाई? ऐसा ही कुछ चाहिए तुम्हें? अरे हाँ यार बिल्कुल प्लीज ले आओ ना। ठीक है ठीक है गाइस बिल्कुल मिल जाएगी ऐसी सुपर आरसी कार, तुम लोग बस वेट करो मैं ऐसी सुपर आरसी कार लेकर आऊंगा जिसके अंदर काफी ज्यादा तगड़े कंफर्ट के साथ हम लोग बैठ सकते हैं और वो आरसी कार बहुत ही तगड़ी और नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने ये वाली आरसी कार कहाँ देखी है, चलो गाइस बताता हूँ मैं। बाकी सबसे पहले अपनी गाड़ी निकालते हैं। ओके फटाफट से लेट्स गो, ये आ गई अपनी मस्त वाली गाड़ी बाहर। अब इस वाली गाड़ी को लेकर चलते हैं हम लोग एक बढ़िया ड्राइवर आरसी कार लेने के लिए, आरसी सुपर कार लेने के लिए। चलो निकलते हैं। तो गाइस देखो मैंने ये वाली जो सुपर आरसी कार देखी है वो देखी है मैंने बीच साइड पर, एक काफी बढ़िया वाली बिल्डिंग है वहां पर मैंने वो सुपर आरसी कार देखी थी जिसके अंदर बंदा बैठ सकता है यार लिटरली में। और वो मैं बता रहा हूँ कौन सी गाड़ी है, पिछली बार हम लोगों ने फरारी चुराई थी ठीक है, इस बार हम लोग लाने वाले हैं लैम्बोर्गिनी की आरसी कार। भाई लिटरली में तुम लोग एक बार सोचो लैम्बोर्गिनी कितनी ज्यादा मस्त लगती है, उस लैम्बोर्गिनी की आरसी कार ठीक है, आरसी कार ही नहीं उस आरसी कार के अंदर हम लोग बैठ
बैठ भी सकते हैं। भाई कितना ज्यादा यूनिक लग रहा है ये सुनने में, भाई लिटरली में मजा ही आ जाएगा। फटाफट से इस टॉय कार को लेने के लिए चलते हैं। मैंने बताया जैसे कि हम लोगों को बीच साइड पर निकलना है, तो फटाफट से सबसे पहले निकलते हैं बीच साइड पर और चलते हैं लैम्बोर्गिनी ड्राइवेबल आरसी कार को लेने के लिए। भाई लिटरली में हम लोगों ने पिछली बार फरारी की आरसी कार चुराई थी, बट उसके अंदर बैठ नहीं सकते थे हम लोग, बट आज हम लोग लैम्बोर्गिनी की ऐसी आरसी कार चुराएंगे जिसके अंदर कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। लेट्स गो, चलते हैं। तो मैं इस वक्त आ चुका हूँ इधर अजीबोगरीब से दिखने वाले रोड की तरफ, और एक सेकंड, थोड़ा सा शायद मैं गलत आ गया या सही जा रहा हूँ। वेट, हाँ मैं सही जा रहा हूँ। इसी रोड पर हम लोगों को आगे जाना है गाइस, और फिर हम लोग पहुँच जाएंगे बीच, और बीच साइड पर एक, हाँ ये वाली बिल्डिंग है। देखो भाई तुम लोग ध्यान से देखो, ये दो बिल्डिंग दिख रही है एक जैसी, दोनों की दोनों बिल्डिंग्स है। इन्हीं वाली बिल्डिंग्स के पास मैंने देखी थी वो आरसी कार, लैम्बोर्गिनी की आरसी कार, जिसको लेने के लिए शायद से आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। ओ भाई हेलीकॉप्टर भी है यहाँ पर। वेट, ये हेलीकॉप्टर उड़ गया, मेरे को ये हेलीकॉप्टर चाहिए। उस बिल्डिंग के टॉप पर जाने के लिए मुझे ये हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ेगी गाइस। अच्छा ये नीचे ही लेकर आ रहा है, मेरे को लगा भाई ये लेकर उड़ गया। ओके, ये सामने वाली बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे शायद अपने को मिल जाए आरसी कार, उसके लिए तो इस हेलीकॉप्टर की नीड अपने को होगी। हेलो सर, हेलो सर, ओ नहीं सर, हेलीकॉप्टर मत लेकर जाओ। अरे यार इसको रोकू कैसे मैं? अरे यार ये तो हेलीकॉप्टर लेकर उड़ गया। शिट यार, शिट 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 शिट। अरे यार ये तो मेरे पास गन भी नहीं है यार, वरना अभी ठोक के नीचे गिरा देता इसे मैं, बट नीचे गिराता तो हेलीकॉप्टर भी ब्लास्ट हो जाता। खैर छोड़ो, बाकी मैं तुम लोग एक काम करता हूँ गाइज, हेलीकॉप्टर तब तक शायद एक आध और आ जाए, तब तक तुम लोगों को मैं आरसी कार दिखाता हूँ जरा। आरसी कार देखने के लिए हमें हेलीकॉप्टर की एक्चुअली में जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारे पास इस वक्त है नहीं। क्या करें, प्लान पूरा फेल हो गया, हेलीकॉप्टर का बच्चा लेके उड़ गया यार। बट कोई बात नहीं, सामने पुलिस वालों का हेलीकॉप्टर है, और पुलिस वालों से मैं हेलीकॉप्टर छीनूं? नहीं 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 भाई, वो लोग मेरा मुंह तोड़ देंगे। लेकिन अगर नीचे अगर ये लोग लैंड करते हैं मैं तो छीन लूंगा भाई। लैंड ही तो नहीं करेंगे ये लोग, हवा में मस्त उड़े जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर की तो जरूरत पड़ेगी गाइस, उतनी ऊंची बिल्डिंग है, उतनी ऊंची बिल्डिंग पर इस तरीके से नॉर्मली जा पाना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। हेलीकॉप्टर की तो जरूरत पड़ेगी ही, बट हेलीकॉप्टर कहाँ से लाऊं मैं? वेट, बगल में ही एयरपोर्ट भी है ना, एक काम करें कि एयरपोर्ट से जाके हेलीकॉप्टर चुरा कर लाएं। भाई साहब एक आरसी कार के लिए इतनी ज्यादा मेहनत, बट करनी तो पड़ेगी भाई, क्योंकि नॉर्मल आरसी कार नहीं है, लैम्बोर्गिनी की आरसी कार है। हेलीकॉप्टर वाला बंदा उड़ गया, एक बार मेरे को दोबारा चांस मिल जाए फिर तो भाई साहब छीन ही लूंगा मैं उससे। नहीं मिलेगा चांस लगता है। इस वाली बिल्डिंग पे शायद से, इस लेफ्ट वाली या तो राइट वाली, सामने तुम लोगों को दिख रही है दो दो बिल्डिंग्स, इन्हीं वाली बिल्डिंग्स में से किसी एक पर तो वो वाली आरसी कार है। यार हेलीकॉप्टर मिल जाता तो मस्त रहता। कोई बात नहीं, सामने ही एयरपोर्ट है, चलते हैं जरा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से एक आध हेलीकॉप्टर उठाकर लाते हैं। एयरपोर्ट भी उतनी तो जरूरी नहीं है भाई, हेलीकॉप्टर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, बट अपने पास कोई रास्ता भी नहीं है। चलो चलते हैं, ये सीक्रेट एंट्रेंस है एयरपोर्ट के लिए, इधर से ही घुस लें क्या? हाँ इधर से ही घुस जाते हैं, चलो। ओके, अरे ये कहाँ टकराऊँ मैं? ओके ये सब तोड़ा, अभी फटाफट से, ओह सामने प्लेन है, बट प्लेन की जरूरत नहीं अपने को गाइस, बस एक हेलीकॉप्टर चाहिए। जल्दी जल्दी खोल दो भाई, गेट खोल दो। ओ खोल दे, गेट खुल गया गाइस। लेट्स गो, इधर से जाना कहाँ से है? हेलीकॉप्टर चाहिए मुझे। ओए लॉस सैंटोस एयरपोर्ट वाला, हेलीकॉप्टर दे दो भाई। ओके यहाँ से रास्ता है, अब रास्ता खोलो भाई। अरे खोल दो, ओ खुल गया। नाइस नाइस यार, बढ़िया हो रहा अपने संग तो सब कुछ। अब बस यहाँ से एक हेलीकॉप्टर ढूंढते हैं और फटाफट से निकलते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है हेलीकॉप्टर जो है एयरपोर्ट की शुरुआत में मिल जाएगा, जहाँ से एयरपोर्ट शुरू होता है उधर की साइड ही हेलीपैड बने हुए हैं शायद 3-4, वहाँ पर हेलीकॉप्टर ईजिली मिल जाना चाहिए। चलते हैं फटाफट, लेट्स गो। ओके अबे नहीं है यार, यहाँ तो हेलीकॉप्टर ही नहीं है। अरे भाई अपनी किस्मत आज कुछ ज्यादा ही खराब है। एक काम करो गाइस, तुम लोग फटाफट से जाओ यार अभी कभी, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ताकि बढ़िया वाला हेलीकॉप्टर मिले और तुम लोगों को वो लैम्बोर्गिनी आरसी कार देखने को मिले। अरे हेलीकॉप्टर ही नहीं मिल रहा, अभी कभी जाओ गाइस, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन याद से ऑन कर देना। बाकी वेट करते हैं किसी हेलीकॉप्टर के यहाँ पर लैंड होने का। एक मस्त हेलीकॉप्टर लैंड तो हुआ है, बट मेरे को डर लग रहा है इस हेलीकॉप्टर को चुराने में, क्योंकि ये देखने से मिलिट्री वालों का लग रहा है, क्योंकि इसके आगे एक मशीन गन लगी हुई है। बट अपने को आरसी कार चुरानी है तो हेलीकॉप्टर तो चुराना ही पड़ेगा। चलो निकलते हैं फटाफट से इसी हेलीकॉप्टर को लेकर। ओके भाई साहब हेलीकॉप्टर तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है, और ये हो गया स्टार्ट। भाई वहीं उसको पीट पाट के अगर मैं चुरा लेता हेलीकॉप्टर, मतलब छीन लेता उससे हेलीकॉप्टर, तो इतनी दूर आना नहीं पड़ता मुझे। खैर जो भी हुआ, अभी चलते हैं बिल्डिंग की तरफ और लेकर आते हैं एक ओपी वाली आरसी कार।
सामने की तरफ बिल्डिंग है भाई, काफी ज्यादा टाइम लग गया। हेलीकॉप्टर स्लो है भले मिलिट्री वालों का ही क्यों ना हो। और देखो गाइस, यहाँ पर इस वाली बिल्डिंग पर तुम लोगों को शायद से वो येलो कलर की कार नजर आ रही है, या फिर नहीं नजर आ रही होगी तो अब नजर आ रही होगी, और अभी भी नजर नहीं आ रही होगी तो वेट करो, हम लोग वहीं पर लैंड करने वाले हैं आराम से। ओ भाई साहब, इसके लिए रनवे चाहिए क्या? नहीं हो तो जाना चाहिए हेलीकॉप्टर लैंड, क्योंकि वहां पर तो हेलीपैड पे ही था ये हेलीकॉप्टर। वेट, कम ऑन लैंड लैंड प्लीज। नहीं 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 नहीं, कम ऑन, यहाँ पर लैंड। वेट, बहुत ही बढ़िया, बट मैं इस छत पे से उस छत पे कैसे जाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, मेरे को वापस वहीं जाना पड़ेगा भाई, इस छत पे से उस छत पे जाने में हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि बीच में गैप है गाइस, और इस गैप को क्लियर कैसे करूंगा मैं? यहीं लैंड करते हैं इसे। ओके, आराम से वेट, आराम से, बहुत ही बढ़िया हो गया हेलीकॉप्टर लैंड। अब मिलिट्री वालों, अपना हेलीकॉप्टर लेकर चले जाना, क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो जरूरत है इस वाली मस्त वाली लैम्बोर्गिनी आरसी कार की। और भाई एक बार तुम लोग लुक देखो, मैं कह नहीं रहा था लैम्बोर्गिनी की आरसी कार होने वाली है, तुम लोग एक बार क्लियर लुक देखो गाइस इस वाली गाड़ी का कितना मस्त है। और कंफर्ट देखो भाई, इसके अंदर लिटरली में एक चेयर लगी हुई है, पूरी एक बैठने वाली चेयर, और जिसके स्टीयरिंग व्हील है वो बाहर निकला हुआ है, और स्टीयरिंग व्हील में इसका रिमोट लगा रखा है, ऐसा कुछ तो सीन है। शायद से हम लोग इसे मोबाइल से भी कनेक्ट करके चला सकते हैं। ओ भाई साहब, क्या मस्त लग रहा है यार ये, एक बार तुम लोग लुक देखो भाई, बैठा हुआ मैं कैसा लग रहा हूँ, ओ तेरी अलग ही फील आ रहा है भाई, ओ मजा आ रहा है भाई, कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ मैं। ओके, ये बिल्कुल टॉय कार लग रही है, भी तो टॉय कार ही है, वो भी लैम्बोर्गिनी वाली। अब इसको नीचे कैसे लेकर जाएं? वेट, यहाँ पर लिफ्ट भी है क्या? मैं लिफ्ट से भी आ सकता था, खैर छोड़ो, अब तो आ ही गया मैं ऊपर जैसे तैसे करके, बट अब मैं नीचे कैसे जाऊँ यार, ये समझ नहीं आ रहा, मेरे को यहीं से छलांग लगानी पड़ेगी, और क्या छलांग लगाई है मैंने, नाइस भाई साहब, क्या वो भी छलांग थी। अब यहाँ से भी नीचे जाना है हम लोग को, अरे भाई साहब, यहाँ से छलांग लगाते हैं, लेट्स गो, कम ऑन। ओके, और यहाँ से भी छलांग, लेट्स गो, कम ऑन। अरे अटक गई हमारी आरसी का नीचे, ओ नीचे, ओ नाइस, आ गए गाइस फाइनली नीचे। ओ ओ भाई साहब, क्या मस्त चल रही है ये, क्या मक्खन चल रही है, इसको चलाने में मजा आ रहा है भाई, नाइस। ओ तेरी, ये तो चलो शिनचैन या फिर एक पिनचैन के लिए हो गई। एक और आरसी कार चुरानी पड़ेगी गाइस, क्योंकि दोनों को हम लोग गिफ्ट करने वाले हैं, एक आरसी कार तो दोनों को गिफ्ट कर नहीं सकते। बाकी इसकी भी स्पीड बहुत ही एपिक है यार, तुम लोग एक बार स्पीडोमीटर पर नजर रखो, राइट कलर में जो है कॉर्नर में नीचे की साइड। अरे क्या यार, गाड़ी पलट गई मेरी, अरे सीधी हो जा भाई गाड़ी, हाँ अब ठीक है। ओके, लाइट भी जलती है क्या इसके अंदर? ओहो, लाइट भी जलती है, पीछे लाइट नहीं जलती क्या? पीछे का पता नहीं क्या हिसाब किताब है। ओके, अभी तुम लोग गाइस स्पीडोमीटर पर नजर रखो, क्योंकि अभी मैं फुल स्पीड में भगाने वाला हूँ इस आरसी कार को। ओके, 130, 150, 160, ओके 170, ओ लिटरली में भाई 170, ओ उतरी उतरी उतरी, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ओ मजा आ रहा है भाई इसको चलाने में तो लिटरली में। चलो गाइस, अब इस वाली गाड़ी को घर लेकर निकलते हैं हम लोग, जल्दी 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 से भाई, रास्ता क्लियर करो भाई, मस्त वाली आरसी कार, येलो कलर की लैम्बोर्गिनी आरसी कार आ रही है, चलो भाई सबके सपोर्टो। वैसे पावरफुल भी है यार, क्योंकि देखो अभी गाड़ी से टकराई थी अपनी ये वाली आरसी कार, उस गाड़ी का बोनट निकल गया, बट इस गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ, एक स्क्रैच तक नहीं आ रहा इस गाड़ी पे, शायद से एक अलग ही लेवल की आरसी कार है। और इस वाली गाड़ी की आवाज जो है, एक रिमोट बैटरी वाली गाड़ी नहीं होती वैसी है, शायद से बैटरी से चलने वाली ही गाड़ी है। इसकी स्पीड 170 180, ओ 180 क्रॉस कर दी थी मैंने अभी, नाइस यार, मजा आ रहा है इसको चलाने में। बट अभी छोड़ो गाइस, सारे मजे छोड़ो भाई, अभी इसको पहले हम लोग घर रख के आते हैं, फिर दूसरी वाली आरसी कार को चुराने के लिए चलेंगे। इसकी एक चीज बेकार है, जो ब्रेकिंग है वो काफी ज्यादा लाइट है, थोड़ी हार्ड ब्रेकिंग होती तब ठीक रहता, क्योंकि मान लो अगर हम लोग 150 की स्पीड में भगाते हैं और ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक भाई काफी ज्यादा दूर जाके लगते हैं, जो कि आई थिंक इसका एक मतलब डिसेबिलिटी है, बाकी तो सब कुछ ठीक ही है। अभी जल्दी से लेकर निकलते हैं इस वाली आरसी कार को सीधे घर पे, अभी गिफ्ट नहीं देंगे, पहले बाहर रख देंगे, फिर दूसरी आरसी कार को लेकर आएंगे, फिर गिफ्ट देंगे। ये आ गए फाइनली अपनी गली के अंदर, ओ भाई साहब अपनी गली में भी क्या रफ्तार है भाई, इसको सड़क पे लेके निकलो, सारे लोग इधर घूरने लग जाते हैं कि ये गाड़ी इतनी अलग कहाँ से आ गई। चलो अब इस वाली गाड़ी को रख देते हैं यहाँ पर, और चलते हैं अभी दूसरी वाली गाड़ी को लेने के लिए, बट मेरे पास कोई और दूसरी कार नहीं है वहाँ तक जाने के लिए, किसी की कार छीननी पड़ेगी। वेट, शर्मा जी ने आज कार छोड़ी है, क्या बात है भाई शर्मा जी, बहुत ही ज्यादा एपिक। अभी इनकी कार लेते हैं और निकल
निकलते हैं आज की दूसरी आरसी कार को लेने के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा एपिक होने वाली है। लेट्स गो। दूसरी आरसी कार जो है लॉस सैंटोस का बड़ा वाला मॉल नहीं है, उसके सामने एक बिल्डिंग है, उधर मैंने कहीं देखी थी। अभी चलते हैं गाइस आज की हमारी दूसरी वाली आरसी कार को लेने के लिए सीधे मॉल की तरफ। लेट्स गो। और थैंक यू शर्मा जी भाई गाड़ी देने के लिए, वैसे दी नहीं उन्होंने, उन्होंने तो मैंने तो चुरा लिया उनके आगे से। अभी चलते हैं इस वाली गाड़ी को लेकर, पता नहीं उस वाली आरसी कार की कौन सी कंपनी होने वाली है और कौन सा कलर होने वाला है। इस वाली आरसी कार का तो येलो था आई थिंक, अभी तक कोई सा भी आरसी कार का कलर येलो नहीं है। देखते हैं दूसरी वाली का क्या कलर रहता है। बाकी मॉल के पास जाना है हम लोगों को, बस मॉल के पास जाने के लिए हमें आगे से राइट लेना है, और उसके बाद मॉल के सामने एक बिल्डिंग है, वहाँ पर देखी थी मैंने वो आरसी कार। तो ये हम लोग पहुँचने वाले हैं गाइस मॉल, ये रहा मॉल, ठीक है, यही है लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा मॉल जिसका नाम मुझे आज तक नहीं पता, और इसके सामने एक बिल्डिंग है गाइस। इसके सामने वाली बिल्डिंग मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, इधर की साइड से जाएंगे भाई, लिटरली में काफी बड़ा मॉल है ये। और ये देखो सामने इसकी बिल्डिंग दिख रही है, जिस वाली बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ है ऑगरी ऐसे कुछ तो नाम लिखा हुआ है, तो इसी वाली बिल्डिंग के आजू बाजू मैंने वो देखी थी ऑगरी इंश्योरेंस। अच्छा इंश्योरेंस बिल्डिंग है ये, हाँ तो यहीं पर मैंने वो आरसी कार देखी थी, शायद इस वाली बिल्डिंग की छत पे। इधर कोई आजू बाजू बिलबोर्ड नहीं है क्या, क्योंकि हम लोग बिलबोर्ड पे चढ़ के देख सकते हैं कि आरसी कार कहाँ पर है। और सामने मुझे वेट एक बिलबोर्ड नजर आ चुका है, बिलबोर्ड तक मैं जाऊँगा कैसे, उस बिलबोर्ड तक जाने के लिए मुझे इस गाड़ी को यहीं छोड़ना पड़ेगा और यहाँ से पैदल ही निकलना पड़ेगा। लेट्स गो, आराम से बिल्कुल जल्दबाजी नहीं वरना मुंह फूटेगा मेरा। ओके जल्दी से चलते हैं गाइस, इस सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर ही होनी चाहिए वो गाड़ी जिसको मैं लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मस्त वाली एक और आरसी कार, ये रहा बिलबोर्ड, इसके ऊपर ही चढ़ जाते हैं और क्या, नजर आएगा यहाँ से बिल्डिंग का। लेट्स सी, अरे यहाँ पर सीढ़ी नहीं है क्या, अबे यार सीढ़ी तो है ही नहीं यहाँ पर, सीढ़ी नहीं है तो बिलबोर्ड के ऊपर चढ़ूं तो चढ़ूं कैसे मैं, क्या तरकीब लगाई जाए, यहाँ से तो कुछ खास नजर आ नहीं रहा है, खुद के लिए सीढ़ी लेकर आऊ क्या मैं, एक काम कर दो मोबाइल के कैमरे से देखता हूँ शायद यहीं से कुछ नजर आ जाए। बिल्डिंग का टॉप तो नजर आ नहीं रहा है, इधर कहीं देखते हैं वो आरसी कार, वेट इधर है क्या, नहीं यार ये तो पिंक कलर के फूल है। ओके इधर कोई, ओ वेट, ओ वहाँ पर तुम लोग कुछ दिख रहा है, लेकिन एक सेकंड, मैंने वो जब वो आरसी कार देखी थी मैंने इधर देखी थी, और वो तो इस वाली बिल्डिंग के ऊपर है वो, देखो। तो एक काम करते हैं इसी बिल्डिंग के ऊपर चलते हैं, हमें बिल्डिंग से क्या मतलब है, हमें तो आरसी कार से मतलब है। ओके और अभी सामने बिल्कुल सामने ये जो तुम लोगों को व्हाइट कलर की बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पर हम लोग जाना है। गाड़ी वाले रुक जाओ जरा सबर करो, मेरे को क्लियर करना है रोड, रुक जाओ तुम लोग भी रुक जाओ भाई रुक जाओ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा हूँ, रुक जाओ तुम लोग सारे के सारे। ओके आ गया मैं, और अभी इस वाली बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना है हम लोगों को। अरे कहाँ से जाऊँ मैं, यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा, लेट्स गो। अरे चढ़ जा भाई चढ़ जा, अब तो चढ़ जा। ओके ओ भाई साहब थक गया यार मैं तो, गाड़ी चुरा दे। अभी तक तुम लोगों ने गाइस वीडियो को लाइक नहीं है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, अभी कभी जाओ वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, और कमेंट में बताओ गाइस पहली वाली जो आरसी कार हम लोगों ने चुराई येलो कलर की वो ज्यादा बढ़िया थी या जो अभी ये जो पिंक कलर की चुराने जा रहे हैं वो ज्यादा बढ़िया है। बाकी यहाँ पर एक सीढ़ी है, नाइस यार, ये तो लगता है मेरे लिए इंतजाम करके रख रखा है इन लोगों ने, सीढ़ी मिल गई। ओके अब यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, नाइस यहाँ से भी चढ़ जाऊंगा मैं ऊपर, अरे मुंह फूट गया। ओके यहाँ से चढ़ते ऊपर, चढ़ जा। ओके चढ़ गया, अब यहाँ से ऊपर, नाइस यार बढ़िया सीन है। ओके यहाँ से कैसे चढ़ू मैं, इधर की साइड से या तो इधर की साइड से, चलो आ गया भाई यहाँ पर, लेकिन यहाँ से ऊपर कैसे जाऊँ मैं, यहाँ से ऊपर जाने में गड़बड़ है भाई, यहाँ से तो ऊपर जाने कोई रास्ता ही नहीं है, कोई और रास्ता, यहाँ से चढ़ जाऊँ शायद, नहीं यहाँ से फिर मैं ऊपर कैसे जाऊँगा। इस वाली बिल्डिंग में हमें फ्लोर पे जाना है, टॉप फ्लोर पे, मतलब रूफ पे जाना है, कुल मिला के दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा गाइस, ये वाला प्लान तो फ्लॉप हो गया। पहली वाली गाड़ी क्या मस्त तरीके से चुरा ली थी मैंने, दूसरी वाली गाड़ी में दिमाग खराब हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, अभी चलते हैं। ओके इधर पाइपलाइंस कितनी सारी है भाई, एसी के डक काफ़ी सारे हैं, तो हम लोग आए स्कूल में ला के इस वाली बिल्डिंग के टॉप पे जाना है। अब उसके लिए किसी और बिल्डिंग का सहारा लें, नहीं भाई कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा, आइडिया। अरे मैं इतना क्यों भाई सोच रहा हूँ, सबसे बढ़िया है एक सीढ़ी चुरा कर लाते हैं, सीढ़ी लगाते हैं और शांति से ऊपर चलते हैं, दिक्कत क्या है, फटाफट से लेकर आते हैं गाइस वो लैडर जो कि तुम लोगों ने देखा होगा जब मैंने बहुत पहले जब गाड़ी चुराई थी तब मैंने वो लैडर लगाई थी, उसी वाली लैडर को लेकर आता हूँ और वहाँ पर लगा कर चढ़ते हैं ऊपर। वैसे गाइस मेरा लैडर वाला भी प्लान फ्लॉप हो गया, लैडर मेरे को मिली नहीं,
बट लैडर से भी बढ़िया एक चीज मिल गई है और वो चीज थी स्टेयर्स। और स्टेयर्स में लेकर आ चुका हूँ, ये देखो भाई लोहे की स्टेयर्स सीधा लगा दिए चोरी के लिए, और इसके ऊपर चढ़ते हैं फटाफट। तो ज्यादा ही इसको सीधा लगा दिया क्या? नहीं नहीं चढ़ जाऊंगा इतना तो मैं। ओके डेफिनेटली आ गया, यहाँ पर सिंपली आ गया। और वो रही गाड़ी, वो पिंक कलर की है, दो पिंक कलर की। वैसे यहाँ से मैं आ सकता था क्या? गेट खुला है ये? नहीं बंद है। वही तो, अभी चलते हैं इसके ऊपर। नाइस, आराम से जाना पड़ेगा भाई, इधर गिरने के फुल चांसेस है मेरे। आराम से ओके नाइस 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 नाइस। ओह अभी गिर जाता मैं। ओके ये आ गया मैं। ये रही मस्त वाली, ओ ये भी लैम्बोर्गिनी है क्या? बट काफी ज्यादा अलग है गाइस, क्योंकि उसके व्हील तुम लोगों ने देखे होंगे ब्लैक कलर के होंगे, बट इसके व्हील एकदम बिजली की रफ्तार वाले, एकदम करंट वाले, इलेक्ट्रिक और ब्लू कलर का कुछ तो है इफेक्ट। और ये है एक पिंक कलर की मिनी टॉय कार लैम्बो, जिसको हम लोग लेकर जाने वाले हैं यहाँ से। तो आराम से भाई आराम से, पुलिस वाले ना पीछे पड़ जाए, वरना इस वाली गाड़ी से तो पुलिस चेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। ओके आराम से ये, ओके इधर आ गया। और फिर इसको लेकर निकलते हैं हम लोग, बस आराम से यहाँ से जंप करवाते हैं मेन रोड पे। और जो मैंने स्टेयर्स लगाई है पीछे उसे छोड़ो भाई। और ये इजीली काफ़ी खूबसूरत जंप, वो तो शुक्र है भाई ये आंटी थोड़ी लेट आई, वरना अगर पहले आ जाती तो सीधे इन्हीं के ऊपर गिरते और इनकी चटनी बन जाती। अभी फटाफट से इस मिनी लैम्बो को लेकर चलते हैं गाइस सीधे हम लोग अपने घर की तरफ। और इसकी स्पीड उससे ज़्यादा क्यों लग रही है मेरे को? हाँ यार इसकी स्पीड डेफिनेटली उससे ज़्यादा है, और इसके अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है, शायद से ये एक इलेक्ट्रिक लैम्बो है। हाँ इसके अंदर आवाज़ नहीं है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, इसके इंजन की तो आवाज़ ही नहीं है भाई। उस वाली गाड़ी में थोड़ी अजीब सी आवाज़ आ रही थी, बट इसकी तो आवाज़ ही नहीं है। और ओ वेट 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 वेट, मैंने एक चीज़ नोटिस की, ये देखो भाई इसके अंदर से भी टायर स्मोक निकला था जैसे ही मैंने ब्रेक लगाए थे। अरे ब्रेक क्यों नहीं लग रहे भाई? ओके ये देखो भाई टायर स्मोक, अच्छा नहीं शायद से, हाँ निकल रहा है, थोड़ा सा निकल रहा है, ज्यादा नहीं निकल रहा। बाकी इसकी स्पीड बहुत ही मस्त है भाई, कुछ भी कहो। अभी मैं तुम लोगों को इसकी स्पीड टेस्टिंग करवाता हूँ। 120 इजिली क्रॉस्ड, अरे यार खाली रोड भी तो होना चाहिए स्पीड टेस्टिंग के लिए। ओके 150 क्रॉस्ड, 160 170, डेफिनेटली गाइस उससे ज्यादा है, क्योंकि इतनी जल्दी वो 170 तक नहीं पहुंच पा रही थी गाड़ी जितनी ये ज्यादा जल्दी पहुंच पा रही है। बाकी इसको भी लेकर चलते हैं हम लोग घर की तरफ और गिफ्ट करते हैं शिनचैन पिनचैन को। भाई आज तो वो लोग डबल खुश हो जाने वाले हैं, क्योंकि इस वाली गाड़ी के अंदर कंफर्टेबली वही नहीं कोई भी बैठ सकता है। और दूसरी चीज गाइस कलर, दोनों के कलर कितने मस्त है, येलो एंड पिंक। और एक और चीज भाई, दोनों की दोनों लैम्बोर्गिनी है, लिटरली मैं लैम्बोर्गिनी, कोई नॉर्मल वॉर्मल नहीं है, लैम्बोर्गिनी सुपर आरसी कार, वो भी बैठने लायक। अभी मजा आएगा, चलते हैं इसको लेकर। शर्मा जी की गाड़ी में वहीं छोड़ के आ गया, कोई बात नहीं नई गाड़ी का इंतजाम कर लेंगे वो। अभी तो इसको लेकर चलता हूँ भाई, इसकी आवाज बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल साइलेंट गाड़ी है ये, इलेक्ट्रिक कार है तो साइलेंट ही होगी। अभी जल्दी 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 आराम से। ओके आ चुके हैं हम लोग अपने घर की तरफ। पिछली वाली गाड़ी को मैं उधर से लेकर आया था, इस वाली गाड़ी को इधर से लेकर आया हूँ मैं। वो रही अपनी पिछली वाली गाड़ी, अभी लेकर चलते हैं दोनों की दोनों गाड़ियों को और सरप्राइज कर देते हैं शिनचैन और पिनचैन को, लेट्स गो। तो शिनचैन पिनचैन क्या तुम लोग दोनों रेडी हो? अरे बिल्कुल रेडी है यार, लेकर आ गए क्या? क्या भाई साहब कल क्या गाड़ी लेकर आया है? जल्दी से तुम लोग पलटो भाई, क्योंकि तुम लोगों को ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है, जल्दी से पलटना। 3 2 1। अरे वाह यार गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा मस्त लग रही है। कैसी लगी भाई पिंक वाली? अरे मेरे को येलो वाली बढ़िया लग रही है। अबे यार इन दोनों का हमेशा है, जो मैं रखता हूँ गाड़ी इनको अपोजिट वाली पसंद आती है। भाई पिंक वाली शिनचैन बढ़िया भाई, ये देख इसके पीछे व्हील्स में मतलब ब्लू कलर की इलेक्ट्रिक ऐसे फायर निकली पड़ी है, फिर ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है भाई। अरे मेरे को तो येलो वाली पसंद है यार। और पिंचन भाई तुझे? अरे मेरे को तो पिंक वाली, मुझे लगा ही था। चलो गाइस दोनों गाड़ी को स्विच करते हैं, अब तो ठीक है भाई। अरे ठीक है यार, लेकिन इसकी स्पेशलिटी तो बताओ। अब भाई ने स्पेशलिटी भी बतानी पड़ेगी। अबे वही गाड़ी है जो तुम लोगों ने कहा था। तुम लोगों ने क्या कहा था? मस्त वाली सुपर कार दिखने में बढ़िया होनी चाहिए भाई, लैम्बोर्गिनी इससे बढ़िया क्या ही लोगे। इसके अलावा कलर देखो भाई क्या ही मस्त है, और कम्फर्ट भाई इसके अंदर मस्त, एकदम अलग से इंस्टॉल्ड चेयर लगी पड़ी है जिसके अंदर बढ़िया तरीके से बैठ सकते हो। ऊपर से इसकी स्पीड भी तगड़ी है, दिखने भी मस्त है, छोटी भी है, बढ़िया भी है, एकदम नेक्स्ट लेवल है। ट्राई तो करके देखो तुम लोग। अरे पहले मैं ट्राई करूंगा यार। ठीक है भाई पिंचन, पहले तू ट्राई कर, क्योंकि तेरी गाड़ी बहुत ज्यादा फास्ट है। अरे तो क्या मेरी फास्ट नहीं है क्या? नहीं भाई शिनचैन तेरी भी फास्ट है, मतलब दोनों की फास्ट है। ओ भाई पिंचन अब बता कैसा लग रहा है? अरे वाह यार क्या मजा आ रहा है इसको चलाने में, है ना भाई अलग ही लेवल का। अरे बिल्कुल फिट आ रहा हूँ मैं तो इसमें।
लेकिन मैं यार बाहर नहीं निकाल पा रहा। मैं कोशिश कर, निकल जाएगी। कोशिश तो कर तू बढ़िया तरीके से। निकल गई। अरे ऑलमोस्ट निकल गई यार। चलो भाई फाइनली इस पिंचन के बच्चे ने निकाल ही ली अपनी गाड़ी। और बता भाई कैसी चल रही है? अरे एकदम मक्खन चल रही है यार, मजा आ रहा है। मजा आ रहा ना भाई, मैं तो पहले ही कह रहा था। और तेरी वाली इलेक्ट्रिक है भाई पिंचन, इसलिए तेरी गाड़ी में बिल्कुल भी आवाज नहीं आने वाली, बिल्कुल एकदम साइलेंट गाड़ी है। अरे यार तभी तो और भी ज्यादा मजा आ रहा है। और इसके व्हील्स कैसे लग रहे हैं? अरे व्हील्स भी बढ़िया है यार, और चलाने का भी अलग ही मजा है। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो गाइस, पिंचन को पसंद आई है पिंक वाली लैम्बोर्गिनी। एक्चुअली में नहीं, लैम्बोर्गिनी नहीं, टॉय लैम्बोर्गिनी। और अभी देखते हैं पिंचन को कैसी लगती है। वैसे उसे तो पसंद आ ही चुकी है ऑलरेडी, तभी तो उसने येलो वाली सिलेक्ट की है। चल भाई पिंचन वापस आ जा, पिंचन की बारी है। ठीक है यार आता हूँ। वैसे तुम लोग जरूर बताना गाइस कमेंट में कौन सी ज्यादा बढ़िया लग रही है तुम लोगों को, पिंक वाली या फिर येलो वाली। वैसे मैं बताऊं तो मेरे को भाई पिंक वाली बढ़िया लग रही है, क्योंकि इसके एक तो व्हील्स देखो एकदम शांत गाड़ी है, और इसकी स्पीड भी ज्यादा है येलो वाली से। खैर जो भी हो, चल भाई शिनचैन अपनी गाड़ी लेके निकल, मतलब निकल क्या, चला भाई टेस्टिंग कर तू भी अपनी गाड़ी की। अरे अभी करता हूं यार, रुको पहले पिंचन को तो आ जाने दो। अरे आ गया भाई, वो आ गया, अब तू निकल अपनी गाड़ी लेके। अरे क्या मजा आया यार चलाने में। तो गाइस अभी शिनचैन ले रहा अपनी गाड़ी की टेस्टिंग, और डेफिनेटली इसे भी मजा आने वाला है। अरे मजा क्या, डबल मजा आ रहा है यार। ओके तो डबल मजा आ ही गया इसे। वैसे गाइस तुम लोगों को भी डबल मजा आया तो फटाफट से जाओ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल बटन प्रेस करके यहाँ से नोटिफिकेशन ऑन कर देना। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वाली वीडियो में। अरे हाँ यार मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। हाँ गाइस कमेंट में वैसे बताना जरूरी यार कौन सी वाली गाड़ी ज्यादा बढ़िया लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय। हाँ गाइस तब तक के लिए गुड बाय। अरे बस भी करो भाई।